हम आपको ना एक जर्नलिस्ट का ना कंपनी का भेजते हैं, कार्ड शार्ड और माइक शैक भी, और आप भी जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें और जो मुसल्लत किए हुए हैं उनके हक में बातें करनी शुरू करें, और जो उधर लिस्ट बनी है ना प्लाटों शलाटों वाली, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको प्लाट शार्ट भी मिलवाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप तो हक सच के ऊपर बात कर रहे हैं। जी, सुन सुन तो लें ना, सुन लें सुन लें, मैं जरा और तरीके, बात यह है कि वो प्लाट शलाट मिल जाएंगे, कुछ हानि तो आ जाए ना, क्योंकि आप तो हक सच के लिए बात कर रहे हैं। हक सच के ऊपर बात करेंगे तो भूखे मरेंगे। वैसे कैसी बात है, ये अजीब बंतक है। 30 साल का जो नौजवान है ना उसको कहते हैं कि ओवर एज, और दूसरी तरफ एक 60 साल का जो रिटायर्ड मेंटली फिजिकली एक्सपायर हराम खोर किसी भी दायरे से उठकर आता है और किसी भी दूसरे अदारे का जाके सरबरा बन जाता है। वो खत्म करो यार खुदारा, ये तमाशा वो कब खत्म करना है? इन लोगों को तो अपना एहसास है कि नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी अवाम का एहसास नहीं करना। वो पाकिस्तान का कुछ सोच लो, नौजवान अपनी डिग्रियां हाथों में लिए हुए दर बदर वो भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और ये सब हराम खोर अपने इनके लल्ले तल्ले नहीं खत्म हो रहे, और ये अब उन नौजवानों को कहते हैं कि जाके खुदकुशियां करो। वो जब एजेंटों को पैसा देते हैं अपनी बीवियों के जेवर बेचकर, अपने माँ बाप की पूंजियां जो कटी हुई हैं उनको, जो माँ बाप ने 4 प्लाट बनाए हुए हैं, जो जरी जमीने हैं वो बेचकर डंकियां लगा रहे हैं, तो मर रहे हैं खुदकुशियों से अलावा और क्या है? ये है नहीं खुदकुशी। फिर मुझे कहते हैं कि यार मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता हूँ, मुझसे तो यार इतनी वो खून खोलने वाली बात आराम से तो होती नहीं, वो मैं कैसे कर लूं? वो किधर गया ज़ियाल हक, वो किधर गया मुशरफ, वो किधर गया आजकल का वो बाजवा हराम खोर, वो बगैरत जिसने जो ये ना ये रिजीम चेंज करवाई। अकल वालों के लिए अल्लाह ताला ने निशानियां रख दी हैं, लेकिन कोई समझे या ना समझे, जो तो हलाल खाता है उसको समझ आती है, जो हराम खाता है उसको समझ बिल्कुल नहीं आनी। रही बात ये कवानीन की, मिस्र के कवानीन नाफज कर दिए गए हैं, पाकिस्तानी कौम सो रही है, और इन तमाम कवानीन की मैं समझ दूंगी शायद मुझसे एक भी है, क्योंकि इनको अपने हकूक के लिए खड़ा होना नहीं आ रहा। अब लीडर अंदर से कहे कि काट दो या कट मरो, कोई लीडर नहीं कहता होता। जब ये हो जाता है तो फिर लोग कहते हैं कि इनकलाब था, इनकलाब आया था तो खून बहा था, लेकिन कोई भी अगर ये ऐसा लीडर कहे कि बाहर निकलो खून निकाल दो या खून बहा दो, ये वो लीडर नहीं होता। ये जब काम हो जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर लोग जो है ना वो क्या कहते हैं कि हमारी तरह कोई बहस कर सकता है या बात कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके पास ये राय देने का हक है, उनके पास पावर है, उनको बात करनी चाहिए। ये मीडिया चैनल्स को करनी चाहिए बात, जो फ्रीलांस कर रहे हैं बात, माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, हमें बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह जिस दिन से आप आए और किधर के किधर आप पहुँच रहे हैं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है, जहाँ तक आप अगर ये सोच लें कि अदारों की 75 साल जो खबासत है